अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल इंजॉयिंग गुड हेल्थ। आज हम ADA पार्ट वन का लेक्चर नंबर वन, वन एक्ट प्ले नंबर फोर, स्मोक स्क्रीन्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हैरल्ड ब्रिज हाउस ने लिखा है। इसमें ये प्ले जनरेशन गैप के दरमियान लिखा गया है। जनरेशन गैप क्या होता है कि थिंकिंग लेवल जो है उसमें डिफरेंस जो होता है उसको हम जनरेशन गैप कहते हैं। दैट मीन्स कि कुछ लोग ओल्ड किस्म के नज़रियात रखते हैं, ओल्डर जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, और कुछ लोग यंगर जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, मॉडर्निज्म को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स कि वो लिबरल किस्म के व्यूज़ रखते हैं, तो इसको हम जनरेशन गैप कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ करेक्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द करेक्टर ऑफ सूजन। सूजन इज द करेक्टर इन दिस प्ले। सूजन कौन है? सूजन इज अ वुमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक औरत है, एंड शी हैज modern views about life। modern thinking की औरत है, जदीद नज़रियात रखती है सूजन। नंबर तीन पे ये एक a divorced woman है, एक तलाक याफ्ता औरत है। इसके खामद ने इसको तलाक दे दी थी, तो दैट्स वाई अब ये क्या कर रही है कि कैसी लाइफ गुजार रही है। शी इज़ लिविंग विद हर डॉटर। ये अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, साथ ये बिज़नेस क्या करती है। शी इज़ रनिंग अ बिज़नेस ऑफ टैक्सी कैब। ये टैक्सी का बिज़नेस करती है, टैक्सी चलाती है, उससे अपने घर के अखराजात पूरे करती है और अपनी बेटी के अखराजात भी पूरे करती है। तो उसके साथ ये एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही है। अब मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। सूजन एक लिबरल व्यूज़ रखने वाली औरत है, एक मॉडर्न व्यूज़ रखने वाली औरत है, और ये एक डिवोर्स्ड वुमेन है, तलाक याफ्ता औरत है, एंड शी इज़ लिविंग विद हर डॉटर, और अपनी बीवी बेटी के साथ जो है वो रिहाइश पज़ीर है, उसके साथ रह रही है। एंड शी इज़ रनिंग अ बिज़नेस ऑफ टैक्सी कैब, और ये एक टैक्सी कैब का बिज़नेस जो है वो चला रही है। अब जनरेशन गैप जो है वो किस वजह से है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आता है। हम नंबर दो पे करैक्टर डिस्कस करते हैं, लूसी। लूसी जो है वो कंजर्वेटिव व्यूज़ रखती है, ये कंजर्वेटिव वुमेन है, जो कि एक ओल्ड टाइप के पुराने दौर के जैसे नज़रियात होते हैं वो नज़रियात रखती है। ये कौन है? लूसी इज द सिस्टर ऑफ सूजन। ये सूजन की बहन है, एंड आंट ऑफ प्रेम रोज, और प्रेम रोज की आंट है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेम रोज के बारे में। प्रेम रोज कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर है, एंड ऑल्सो वी कैन से प्रेम रोज अ सेंट्रल करेक्टर ऑफ द प्ले। प्रेम रोज इज द डॉटर ऑफ सूजन। ये सूजन की बेटी है, जो ये मॉडर्न व्यूज़ रखती है सूजन, इसकी प्रेम रोज जो है वो बेटी है। एंड शी इज़
spending her life with her mother. ये अपनी लाइफ जो है अपनी वालदा के साथ है कि घर में गुजार रही. शी इज अ लिबरल वुमेन. ये एक लिबरल वुमेन है, मॉडर्न टाइप वुमेन है. एंड शी रिमेन्स आउट फ्रॉम हर हाउस लेट एट नाइट. और ये घर से अक्सर रात गए तक बाहर रहती है और अपना ज़्यादातर वक्त नाइट क्लब्स में, स्मोकिंग में और ड्रिंकिंग में गुजारती है. एक अयाश किस्म की औरत है जो कि सूजन की बेटी भी है. अब इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट क्या होता है, सूजन और लूसी जो है आपस में लड़ती झगड़ती रहती है. सूजन लूसी जो है वो सूजन को कहती है कि आपने अपनी बेटी की परवरिश जो है वो गलत किस्म की है, उसको अयाशी दी है, उसको आपने कोई रोकथाम उसकी नहीं की, वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रही है और आपका प्रेमरोज़ पे किसी किस्म का कोई कंट्रोल जो है वो नहीं है. तो आपने अपनी बेटी को बिगाड़ दिया है. करैक्टर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे क्लैरिस. क्लैरिस कौन है? क्लैरिस शी इज अ फ्रेंड ऑफ प्रेमरोज. ये प्रेमरोज की बहुत गहरी फ्रेंड है, सहेली है, दोस्त है. एंड वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट करेक्टर भी हम डिस्कस करेंगे, जॉहन. तो ये उसकी बहन भी है. शी इज़ दी सिस्टर ऑफ जॉन. आगे चल के हम जॉन के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि हु इज़ आ जॉन. करेक्टर नंबर 5 है जॉन. जॉन कौन है? जॉन के बारे में हम बात करते हैं. ही इज़ अ फुटबॉलर ये फुटबॉलर है, फुटबॉल खेलता है. ही इज़ एन अगली बॉय. और ये एक बदसूरत सा लड़का है, स्याह फाम है. अब प्रेमरोज जो है, प्रेमरोज ये इस जॉन से मोहब्बत करती है और इससे शादी करना चाहती है. अब इस बात का उनके घर में किसी को पता नहीं होता, सूजन को जो उसकी वालदा है. तो जब लूसी और सूजन के दरमियान बहसो तकरार हो रहा होता है तो क्लैरिस एंटर्स होती है उनके घर में और वहाँ जाके ये बता देती है कि यहाँ पे ये पॉइंट भी हम बना लेते हैं. शी रिवील्स द सीक्रेट ऑफ प्रेमरोज. ये प्रेमरोज की जो मोहब्बत है उसका जो राज है वो इन सामने लूसी और सूजन के सामने कह देती है कि जो प्रेमरोज है आपकी बेटी है वो जॉन से, मेरे भाई से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है. तो पहले तो लूसी और सूजन दोनों तैश में आ जाती हैं, गुस्सा करती हैं. इसी वक्त इसी दौरानिए में प्रेमरोज भी जो है वो इंटर हो जाती है. तो वो कहती है, अपनी वालदा को एक स्टेटमेंट देती है, एक आर्गुमेंट देती है, आपने भी एक खूबसूरत मर्द से शादी की थी लेकिन आप एक डाइवोर्स्ड लाइफ गुजार रही हैं, तो इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं अब एक अगली बॉय से, एक अगली मैन से शादी करके ये साबित करूंगी कि जो वफा का ताल्लुक है वो रंग से नहीं है. तो इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं जो अगलीस्ट मैन इन द सिटी है उससे शादी करूंगी, जॉन से.
तो उसकी वालदा ये दलील के आगे कुछ नहीं कर पाती, चुप हो जाती है। एंड फिर एंड पे वो ये कहती है, उसका जो आंसर होता है जिससे हमें पता चलता है कि उसने तकरीबन हाँ कर ही दी है, लेकिन उसने तरीका जो है वो ये अपनाया, उसने प्रिमरोज़ को कहा कि अगर ये जॉन आपके साथ बेवफाई करेगा या आपको छोड़ेगा तो शी वुड किल हिम, तो वो उसको मार देगी। तो यहाँ पे इस प्ले का अख्ताम होता है। तो दैट नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।